उत्तर प्रदेश के आखिरी जिले सोनभद्र में लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर नहीं पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ राग अलाप कर सत्ता में आई योगी सरकार अब खुद भ्रष्टाचार से जंग लड़ने से बचती नजर आ रही है। सोनभद्र में NH यानी नेशनल हाईवे के करीब 28 बीघा जमीन जिसकी कीमत 50 से 75 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, अब उस पर जनप्रतिनिधि कब्जा जमा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस सारे मामले में योगी सरकार के एक महिला मंत्री का हस्तक्षेप बताया जा रहा है। मंत्री के हस्तक्षेप के चलते वन विभाग समेत संबंधित विभाग के अधिकारी कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं। यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे समाज सेवी गिरीश पांडे ने उजागर किया है। पिछले 3 महीनों से कब्जे का यह मामला सोनभद्र में सुर्खियां बटोर रहा है। गिरीश पांडे एक संगठन में काम करते हैं और उनका संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इस मामले में वह बड़ी संवेदनशीलता के साथ डटे हुए हैं, लेकिन राज्य के मंत्री और अन्य प्रतिनिधि आपस में मिलकर जनता की जमीन का बंदरबांट कर रहे हैं। इसकी शिकायत गिरीश पांडे ने सोनभद्र के थाना अध्यक्ष को भी की थी। सोनभद्र व वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी ने पुलिस को सूचित किया कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल समेत कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए अवैध रूप से नींव भरवाई का कार्य शुरू कर रखा है, इसलिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। यही नहीं, पूर्वांचल नव निर्माण मंच के उपाध्यक्ष गिरीश पांडे ने जिला कलाधिकारी को लिखित में शिकायत पत्र भेजा कि जनपद सोनभद्र में वन विभाग तथा ग्राम पंचायतों की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और एक कमेटी बनाकर इस मामले की जाँच की जाए ताकि ग्राम पंचायत और वन विभाग की करोड़ों रुपए की भूमि पर अवैध कब्जा होने से रोका जा सके। इसके बाद सोनभद्र वन विभाग के वन अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने जिले के SP को भी पत्र लिखा। पहले आप वन विभाग के रेंजर जगदीश प्रसाद तथा शिकायत करने वाले गिरीश पांडे की यह बातचीत सुन ले, उसके बाद हम आपके सामने इसका और खुलासा करेंगे। सर, रेंजर साहब बोल रहे हैं चुप से ना? हाँ सर, नमस्कार, गिरीश पांडे बोल रहे हैं, नंबर मिला है आपका। गिरीश पांडे सर नाम है मेरा। सर, ये बंधे के पास में अभी एक सप्ताह पहले कोई प्लाट वगैरह इंक्रोचमेंट था वन विभाग का, ये भंडरोल बंधे के आपके रेंज में कहीं कब्जा हो रहा था, लोगों ने मकान वकान बनाया था, कुछ इस तरीके का था कंप्लेन आई थी। कहीं बनाया गया था जिसको गिराया गया आप लोगों के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, गिराया गया है जी, ये टोल प्लाजा के पास था। हाँ अच्छा, ये इसमें अच्छा रावड़गंज के जो तात्कालिक चेयरमैन है कि पूर्व चेयरमैन? हाँ, तात्कालिक इस समय है वर्तमान में। अच्छा, तो सर बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बड़ी सफलता से मतलब उसको बचाया, ऐसा हमको जानकारी हुई कि सर के द्वारा कार्रवाई किया। तो मिल लीजिए संबंध में जी, मिल लीजिए डीएफओ साहब से। अच्छा, पूरा डिटेल है डीएफओ साहब का इसका? हाँ, वो किस प्लॉट पे किया है इन लोगों ने, वो पूरा डिटेल है उसका। इन लोगों की बात ऐसा है ना, ये लोग तो डॉक्टर जिंदल है जी। हाँ, तो उन्हीं के नाम पर ये लोग जमीन कहते हैं कि हमारी या कुछ कहते हैं कि उनकी तरफ से हम लोग जो है इसमें जो अपने नाम से करवा लिए, तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग उसको हमारी जमीन थी इसलिए हम लोग उसे गिरवा दिए। ये डॉक्टर कौन है? डॉक्टर जिंदल। अच्छा, डॉक्टर जिंदल रावतगंज के निवासी थे, तो उनके लड़के उस समय दिल्ली में रहते हैं। ये लोग बताया कि डॉक्टर जिंदल की जमीन थी। हाँ, डॉक्टर जिंदल की, वो हमको शायद भेज दिए हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने उसको नपवा करके करवा दिया, तो इसे हम कहीं भाई किसी के मकान में हम घुस जाइए और कह दीजिए हमने नपवा करके दिए हैं, घुस गए हैं, तो ये तो गलत है ना, तो जमीन हमारी है, आप नपवा चोरी के लिए है। तो इसमें सत्ता पक्ष का काफी दबाव रहा होगा सर आपका? अरे बिल्कुल, विधायक वगैरह सब उसमें जो है डीएफओ साहब से मिलने के लिए आए थे जो है। अच्छा, FIR वगैरह नहीं कराया आप लोगों ने नामजद इन लोगों के लिए? FIR जो हो गया है, FIR हुआ है, FIR हो गया। हाँ, थाने में FIR पहुंच गया है।
इसमें सारा प्रशासन जब मिला हुआ है तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे FIR की कॉपी वगैरह उपलब्ध हो सकती है जैसे हम लोग? वो जो है दादा जो वही है जो है डिवीजन ऑफिस में आपको मिलेगा डिवीजन। ये अगर आप वहाँ भेज डिवीजन ऑफिस में भेज दोगे तो हम आपको नीचे लाभ दे सकते हैं। नहीं, हमसे मुलाकात हो जाएगी सर, आप जब कहेंगे हम आ जाएंगे। हो जाएगी, आप हमसे 11 बजे तक आप आइए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक सर, ठीक सर। सर शुभ नाम अपना? शुभ नाम सर का हम सेव कर ले नंबर को। जगदीश कुमार है, क्षेत्रीय वनाधिकारी। जगदीश कुमार जी, ठीक है सर। दरअसल पहले वन विभाग में यहाँ थे, रेणुकूट में यूपी सिंह साहब थे, दीक्षित जी अभी जो चंदौली में है। हाँ, वो हमारे पिताजी के अच्छे मित्र रहे। अच्छा, यूपी सिंह साहब थे, विनय उपाध्याय जी हैं। हाँ, बहुत दिन तक रहे विनय उपाध्याय, रहे हैं अनपरा बीजपुर में। तो वन विभाग से, वन विभाग की जमीनों को हम लोगों ने पहले भी काफी सुरक्षित इस तरह से, दरअसल होता है इंक्रोचमेंट, हम लोग प्रयास करते हैं बचे, लेकिन अब ये धनपशु और राजनेता लोग जो है असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है ये। आप नेता लोग ज्यादा पीछे पड़े रहते हैं ना। जी जी जी, ठीक सर, कल सर सर हम कल आते हैं सर 11 बजे सर। सर आपने सुन ली। इसके अलावा शिकायती पत्र में बताया गया है कि कुछ अवांछनीय लोग अवैध कब्जा करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। अवैध कब्जे को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई करे जिससे वन विभाग की जमीन पर कब्जा ना हो सके। हालांकि जब यह मामला हाईलाइट हुआ तो बाउंड्री वॉल को गिरा भी दिया गया, लेकिन कब्जाधारी असामाजिक तत्व अभी भी उस पर अपना कब्जा जमाने की फिराक में है। यही नहीं, वन विभाग के अधिकारी को धमकाया भी जा रहा है। हम आपको सुनवाते हैं कि वहाँ के अधिकारी तथा जन प्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि योगी सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। उनके सरकार के मंत्री या तो कब्जाधारियों को संरक्षण दे रहे हैं या फिर खुद कब्जा करवा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन समाज सेवी गिरीश पांडे ने साफ कर दिया है कि वह किसी हालत में भी कब्जा नहीं होने देंगे। यदि धरने प्रदर्शन की जरूरत पड़ी तो वह भी करेंगे। सर, आप लोगों ने तहरीर दिया है नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ के जो रॉबर्ट्सगंज के उनके खिलाफ, वो और दो लोग और भी हैं कि वो लोग वन भूमि की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, क्या मामला है सर? चुर्क गांव के अंदर गवर्नर्स नोटिफिकेशन है जिसमें सेक्शन 4 लैंड फॉरेस्ट को दी गई है। इसमें 7.5 हेक्टेयर जो भूमि है वो टोल प्लाजा को लीज पे 30 सालों के लिए भी दी गई है। उस भूमि पे कुछ लोगों द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराने की कोशिश की जा रही थी। इस बारे में जिलाधिकारी महोदय से भी मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस की एक जॉइंट टीम बनाकर उसका सर्वे कर लिया जाए और तत्पश्चात वो निर्धारित कर लिया जाए कि कहाँ पर फॉरेस्ट लैंड है और कहाँ पर प्राइवेट लैंड है। ये मैटर नहीं है। सर, क्या नामजद धर देने का क्या मतलब, क्या लोग मौजूद थे क्या? मौके पे वो लोग मौजूद जो थे जो कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे थे उनका नाम उसमें दिया गया था। सर, रेंजर साहब ने एक पत्र भी लिखा था, रेंजर कमांडर से गया, तो कौन कौन लोग हैं सर इसमें नामजद? वो FIR जो है कॉपी वो दी गई है अब पुलिस के यहाँ, बाकी पुलिस उसमें दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तत्पश्चात जो उचित उस पर कार्यवाही होगी पुलिस द्वारा करेगी। तो बताया जा रहा सर इसमें नगर पालिका अध्यक्ष और 3 लोग के नामजद आपकी तरफ से तहरीर दी गई है पुलिस को और DM साहब को भी शिकायत दी गई है। हाँ, सही बात है। अध्यक्ष जी, वन विभाग की तरफ से एक तहरीर गई है कप्तान साहब को कि आप पे एक आरोप ये लगा है कि आप जमीन कब्जा कर रहे हैं कई, तो ये आरोप कितना सही है? आरोप बिल्कुल निराधार है, उसमें मेरी कोई जमीन नहीं है। जो भी आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल निराधार आरोप है। मेरी वहाँ 1 इंच भी जमीन नहीं है। मेरे एक पुराने मित्र थे मिस्टर रघुवीर प्रसाद जिंदल, पत्रकार थे वो मेरे मित्र थे, अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं। उनका लड़का है वो सुश्री जिंदल करके है, उसकी जमीन है, वो अब जब कब्जा बाउंड्री वॉल खिंचवा रहा था। चूंकि मैं बस एक बार देखने चला गया था कि क्या पोजीशन है जमीन की, और अन्यथा मुझे कोई लेना देना नहीं है। स्वतंत्र है राजस्व विभाग और आपका वन विभाग, चाहे जैसे वो लेने में करें। आपका नाम देने की क्या वजह हो सकती है? एक बार नजर देख लिए होंगे, उसे आता जाता रहता हूँ। चूंकि वो जिंदल मेरे मित्र थे, उनका लड़का यहाँ रहता नहीं, वो दिल्ली रहता है, वो कहा था मुझसे कि अंकल जरा आप जाते होते देख लिया करिए, कोई परेशानी ना हो मुझे। हमका नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं होगी, वरना मुझसे उस जमीन से कोई लेना देना नहीं। आम तहरीर में दिया गया आप सम्मानित पद पर, तो क्या आप उल्टा कोई कार्रवाई करेंगे विभाग? देखूंगा, अगर ऐसा करें तो वो किस आधार पे कर रहे हैं, उनके पास क्या लिखित प्रमाण है, क्या मेरा जमीन है, क्या मेरा पेपर है,
राजस्व विभाग से इकट्ठा कर देख ले, खुद अपना देख ले, कहीं भी हमारा नाम वीरेंद्र कुमार जायसवाल नहीं आएगा। क्या मांगा था आरटीआई, क्या जवाब मिला है, किस तरह का प्रकरण है ये? प्रकरण एंटी भू माफिया के संबंध में है। वन विभाग की जमीन रावड़गंज में राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हुए लोढ़ी के पास में टोल प्लाजा से पहले लगभग 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण चल रहा था। जानकारी लिए वहाँ एक दिन विवाद उत्पन्न हुआ, वन विभाग जाकर के उस पूरे निर्माण कार्य को गिराता है और FIR के लिए तहरीर देता है। पूछे जाने पर लोग मौखिक रूप से कुछ नहीं बताए, फिर RTI लगा के जब हमने मामले की पड़ताल की तो पता ये चला कि उसमें रावड़गंज नगर पालिका के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार जायसवाल जी के नेतृत्व में 3 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। लोग चुर्क बंद संरक्षक के तहरीर पे FIR की तहरीर दी गई है, जिसमें अभी तक कार्रवाई पुलिस के द्वारा तो नहीं की गई है। अच्छा। यह मामला सामने आया तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय से आज मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि अभियुक्तों पर निश्चित दंडात्मक कार्रवाई हो। साथ ही DFO साहब की एक रिपोर्ट में RTI से पता चला है कि राजस्व कर्मियों ने सीमांकन तक किया है, उस जमीन का सीमांकन किया है, तो राजस्व कर्मी भी इसमें लिप्त हैं। निश्चित रूप से ऐसे राजस्व कर्मियों को पदों पर नहीं रहना चाहिए, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है इसमें किसकी किससे मेरी भगत हो सकती है अगर ये प्रकरण कब्जा हो रहा है, जमीन कब्जा का? इसमें सरकार की, प्रदेश सरकार की मंशा के खिलाफ, लेकिन सरकार के ही लोग लगे हुए हैं, ऐसा प्रथम दृष्टया जो सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। अधिकारियों का बयान है कि शासन का बहुत दबाव है कि इस मामले को दबाया जाए।